जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जूही चावला पे पेनाल्टी क्यों इम्पोज किया दिल्ली हाईकोर्ट, वो तो पिटीशन फाइल की थी गुड कॉज के लिए, लेकिन आखिर पेनल्टी इम्पोज क्यों हुआ? आपको जूही चावला का जो केस है उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, पेनल्टी क्यों इम्पोज किया गया, 20 लाख का जुर्माना क्यों देने को कह दिया गया, ऐसा कहाँ कोई प्रोविजन है क्या भारतीय कानून में? पहले मैं आपको बता दूं, मायसेल्फ सोनू कुमार, YouTube चैनल लॉ इज लाइफ का फाउंडर एंड वन ऑफ द एडुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म PCSJ। अगर आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जूही चावला का पिटीशन फाइल्ड किया गया दिल्ली हाईकोर्ट में, क्यों किया गया? क्योंकि वो चाहती थी कि 5G नेटवर्क भारत में नहीं आए। बहुत सारी कंपनियां भारत में, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, MTNL, ये बहुत सारी कंपनियां शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गांव में भी 5G नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, उसके लिए टावर, बड़े बड़े टावर एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जूही चावला कहती है कि ऐसा करने से 5G का जो रेडिएशन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, जिससे कि पशु पक्षी को हार्म होगा और दुनिया तबाह हो जाएगा। अरे भैया, जबकि जो भारत की एजेंसी है इस पर ऑलरेडी सर्टिफाई कर चुकी है कि इससे 5G से कोई खतरा नहीं है जीव जंतु को, बेकार का बेफालतू बात। तो जूही चावला तो कोई एक्सपर्ट है नहीं जो ये डिटरमाइंड कर ली, सुनी सुनाई बातों पे आके उसने पिटीशन फाइल कर दिया। और साथ ही साथ ये भी अफवाह फैल गया है कि 5G के कारण कोरोना वायरस फैल रहा है। अरे यार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस बात पे आके अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, जो साफ तौर पे इस बात को नकारता है कि 5G के कारण कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, 5G, 2G, 4G के कारण। ये सब बेतुकी बातें हैं। तो सवाल उठता है कि जूही चावला का पिटीशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों खारिज कर दिया गया? तो इस पर आपका जो लीगल आस्पेक्ट है वो आप जान लो। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्पेशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या होता है? ये वो चीज़, ये प्रक्रिया है जब एक समाज का कोई भी व्यक्ति कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, सवाल उठा सकता है कि अगर उसको ऐसा लगे कि किसी अन्य व्यक्ति का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, हनन हो रहा है, और वो व्यक्ति अयोग्य है, कोर्ट नहीं जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई दूसरा व्यक्ति उसके एवज में जाता है कोर्ट, उसके फंडामेंटल राइट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका अगर फंडामेंटल राइट हो रहा है वायलेट। तो जूही चावला भी ठीक उसी तरीके से चली गई PIL का माध्यम से। अब दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका फाइल हुआ वो हुआ आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में होता है 32 के अकॉर्डिंग, 32 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो 226 के अकॉर्डिंग जूही चावला ने हाई कोर्ट में पिटीशन तो फाइल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कही है कि आप PIL फाइल करते हो तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपने पब्लिसिटी के लिए नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये लॉ का वॉलेशन है, आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा और आपका जो पिटीशन रिजेक्ट भी किया जाएगा। ये केस था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह बोला गया कि बलवंत सिंह चौफाल, याद रखिए बलवंत सिंह चौफाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, इसमें बोला गया कि गाइडलाइंस इंपोज की, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बनाई कि देखो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो जूही चावला ने पिटीशन जो फाइल किया है तो दिल्ली हाईकोर्ट के का कहना है कि जूही चावला ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया है, पब्लिसिटी के लिए किया है, इसके लिए जूही चावला का जो पिटीशन है रद्द किया जाए और जूही चावला को जुर्माना देने का भी आदेश हो गया 20 लाख का। आई होप कि आपको जूही चावला का जो विवाद है लीगल एस्पेक्ट से भी समझ में आया होगा। आपका बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।